देखते रहिए UBN 0 एट गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। मामला 3 वर्ष पूर्व सामने आया, अपहरण एवं हत्या के प्रयास का। फरियादी ने मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस पर उठाए सवाल, फरियादी ने लगाए आरोप। आज अपहरण में मीडिया से रूबरू होते हुए फरियादी ओम प्रकाश जाटव पर राकेश सिवारे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। यहां तक कि गिरफ्तारी वारंट के दौरान ही आरोपी द्वारा निवर्तमान कलेक्टर राजेश जैन को विगत 19/4/2018 को पार्टी भी दी गई का हवाला देते हुए फरियादी द्वारा पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को भी शिकायत पत्र देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा चुकी है। इसके बाद भी स्थानीय AJK थाने में लंबित गिरफ्तारी वारंट में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ये आपके साथी सर, मैं केवल एसआर में काम करता हूँ, जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई है उनका भी यही बिजनेस है केबल लाइन का, तो वो मेरे समर्थन करते थे कि यहाँ काम मत कर ऐसा वैसा, उनके कंपनी के बाबे जो भी काम करते हो, मतलब उनका जो भी समस्या है, तो मैं गरीब आदमी मतलब लाइन पर जा पहुँचा देगा आदमी मैं जाऊँगा, तो वहाँ पे मेरे को कहने लगे तुम यहाँ काम मत कर ऐसा वैसा, भी मेरे को मतलब डराने धमकाने लगे। ये गोली आपको काम आ रही रोड पर क्या हो रहा है? तो आप अकेले थे क्या? अकेले था सर, मैं यहीं से निकल रहा हूँ अपने रास्ते के होटल से, बिना गाड़ी जा रहा था रेलवे स्टेशन पर। गोली लगे कितने दिन हो गए आपको? गोली लगे कितने दिन हो गए आपको? 3.5-4 साल हो गए सर, 5-4-5 है। की आपने FIR कहाँ पे दर्ज की थी? पहले मैंने करवाई थी इसकी ब्यावरा से, बताया गया था कि यह गुना जिले का कांड है, तो मुझे लगा आपका वहीं पे जाइए, तो वहीं पे फिर हमने यहाँ पे आके लगवाया था। जब आपने FIR दर्ज की तो आपके पक्ष की सुनी गई या उसी के पक्ष की ज्यादा सुनी गई? सर अब तो कोर्ट का मैं कैसे बता सकता हूँ सर, अगर मेरे पक्ष की सुनते तो गिरफ्तारी हो जाती अभी तक। गिरफ्तारी वाले दिन पर कब निकला? 1.5 महीना हो गया सर उसको, लेकिन 1.5 महीने में गिरफ्तार नहीं किया गया। आपका नाम क्या है पूरा? ओम प्रकाश जाटव। बस ठीक है। उसको तरुण जैन ने ऐसे साजिश साजिश चीटिंग उसको गुना से उठा के और ब्यावरा के पास में गोली मार ली थी, उसी का पेमेंट दर्ज हुआ था, 0 रुपये का इनमें थी उसमें, और उसके बाद में सिटी पुलिस वाले गुना में ट्रांसफर करी थी, 0 रुपये का इनमें से घटना गुना की थी। बाद में पुलिस को जाँच के बाद उसमें एयर गार्ड थी, एयर गार्ड के बाद कोर्ट में गए, कोर्ट में चलने के बाद में साजिश सवाल उसमें कोर्ट का आदेश करा कि तमाम दिनों गिरफ्तार किया जाए, और पुलिस ने जो जांच की वो लग पाई रही थी उसमें, और पुलिस ने निर्देश करा तो गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। हमारा उसको 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने में पुलिस ने गिरफ्तार कर रहे ना कुछ कर रही है उसको, और तकरीबन हम लोग भी SP के पास, कलेक्टर के पास, सीमा के पता नहीं हम लोग, मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। क्या मानना है आपको, क्या लगता है आपको, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? नहीं मानना तो मतलब उससे साफ हो गया, घटना घटी थी, पुलिस ने उसकी मतलब यार लगा दी थी, तो हमने देखा 151 केस में पुलिस दोनों का गिरफ्तार कर दी थी, छोटी सी धाराओं में पुलिस छोड़ती नहीं मुझे, मगर उसकी इतनी धाराओं में भी पुलिस ने छोड़ दिया, तो सामने आता है पुलिस का कुछ साजगाट है उसके सामने, इतने बड़ा प्रॉब्लम है, पुलिस बचाती किसी चीज़ को नहीं बचाती, पहली बार देखा है कि कुछ होती है। किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था? 307 में, 364 में, हरिजन एक्ट में। आपका नाम? मेरा नाम राजेश है।